गुड टू सी यू, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। ये जो 2-3 महीने की मैं बात करूँ, इतने अमेजिंग आपके फैमिली के लिए कर, इतने अमेजिंग मित्र, एक अभी साउथ अफ्रीका से आया और एक ओटीडी में मैं बोल सकता हूँ राज कर रही है, वो रानी की तरह राज कर रही है, उनको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, आप किस तरह से देखो ये जो 2-3 महीने है काफी अमेजिंग जा रहे हैं आप लोग के फैमिली के लिए, टेल अस समथिंग अबाउट दिस 2-3 मंथ्स। सबसे पहले तो ऊपर वाले का बहुत बहुत उसका दिल से शुक्रिया, और जो हर वक्त मैं करती हूँ कि एक बहुत बुरे वक्त के बाद एक बहुत अच्छा वक्त आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे हमारी ऑडियंस का शुक्रिया कि उन्होंने इतना प्यार दिया कि आज एक बेटा मेरा साउथ अफ्रीका से खतरों का खिलाड़ी करके आया है, उसने स्टंट भी किए हैं अमेजिंग, जो कि मुझे देख के एक्चुअली मुझे डर लग रहा था कि ये क्या कर रहा है। और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह बिग बॉस में है और बहुत अच्छे से मुझे लगता है वो अपनी पूरी डिग्निटी के साथ वो गेम खेल रही है, जिसमें मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आपकी क्या बातचीत हुई जब फर्क घर के अंदर जा रहे थे, किस तरह से आपने रिएक्ट किया, वो जो कॉल आता है क्योंकि दो बड़े रियलिटी शो इंडिया में है, एक तरफ शेजान भाई गए थे, एक तरफ फलक जा रही थी, तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था, टू बी फ्रेंकली शिजान के लिए खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि उससे मुझे खुद को भी बहुत डर लगता है, मैं नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, बाप का फ़र्ज भी मैंने हमेशा अदा किया है, तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाप बन के शिजान के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि नहीं तुम जाओ, अपने डर को अपने अंदर रख के मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि तुम जाओ, क्योंकि माँ के आंसू बच्चे को पिघलाते हैं और कमज़ोर करते हैं कई बार, ऐसा मुझे लगता है, तो वो माँ के आंसू मुझे वहाँ नहीं गिराने थे, मैंने उसको यही बोला कि तुम जाओ और अपना बेस्ट दो, जीत के आना ना जीतना वो सब ऊपर वाले के हाथ में, तुम सिर्फ दिल जीतो जाके। अब तक जिस तरह गेम खेल रहे हैं फलक की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह के आपके लगे, कौन सा एक बेस्ट मोमेंट आपको लगा कि ये जो टास्क था या फिर ये जो मोमेंट था काफी बेस्ट है अब तक? आप दोबारा सवाल कीजिए, मैं क्लियरली समझ नहीं पा रही हूँ आपने क्या कहा। अब तक की जो जितनी भी जर्नी रही है फलक की, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि ये मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट है, और अब तक की जर्नी एक शॉर्ट आंसर में मैं बताऊँ तो अब तक की जर्नी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे उनकी? फलक की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, और एक टास्क तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि टास्क तो देखिए वहाँ पे अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, लेकिन एक बहुत जो फलक की पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड एक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था, जब जैद हदीद जो है वो ब्रेक डाउन होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे उसको फलक संभालती है, तो मुझे लगता है कि फलक की जर्नी का वो सबसे बेस्ट पार्ट था, जहाँ पर वो एक्चुअल वही है जो वो अंदर है। ये किस्सा आई गेस आप बात करो आकांक्षा के जाने के बाद जो दूसरा टास्क आता है जहाँ पूजा मैम भी रहते हैं फलक रहते हैं, ये किस्सा उसी समय का आई गेस जब जैक सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन हुए थे घर का। यस, वो बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हुए थे, उन्होंने अपना सामान वामान सारा नीचे निकाल लिया था और बहुत ज्यादा वो रो रहा था उस टाइम, हालांकि फलक उससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उससे पहले वो कुछ शेमिंग वाला इंसिडेंट हुआ था, बेबिका के साथ जैद की लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई के बाद फलक ने, आपने देखा ही होगा कि वो उसको प्यार से जादू जादू बोलती, और उसने उसको भाई बना लिया है अपना, और वो उसको उसी तरह से ट्रीट भी करती थी कि लाइक माय ब्रदर, लेकिन वो एक इंसिडेंट वहाँ ऐसा हुआ कि जहाँ पे फलक को लगा कि नहीं इसको मैं भाई नहीं बनाऊंगी, और वहाँ पे उसने ये मैंने कहते हुए सुना, उसने बोला कि नहीं मेरा हो गया, किसी की रिस्पेक्ट के आगे मैं रिलेशन भी नहीं है मेरा, उससे बढ़ के नहीं है, और वो ऐसी ही है, और उसने वहाँ वो ख़त्म कर दिया था। बट जिस दिन जैद हदीद को ब्रेकडाउन हुआ, उस दिन फलक ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और बहुत समझदारी के साथ, वो कहते हैं ना कि उसने वो सब कुछ प्लान नहीं किया, वो टास्क में नहीं थी, वहाँ उसका दिमाग नहीं उसका दिल चला, और उसने उस दिल के साथ जैद को बहुत अच्छे से संभाला, तो मेरे लिए तो वो बहुत एक प्रेशियस मोमेंट था, जहाँ पर फलक ने अपने आप को तो हर कोई संभाल लेता है, बट खुद किसी और को संभालना वो बहुत बड़ी बात होती है। फलक जी की मैं बात करूँ तो जिस तरह वो लोगों से जो रिलेशन बनाया इतना अच्छा बना, इतना प्योरिटी वाला रिलेशन, बट पूजा मैम, साइरस जी जो अब नहीं है घर पे, अविनाश हो गया, ये जो ग्रुप है उसके उस ग्रुप के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए ग्रुप में सबसे बड़ी बात तो ये कि सब लोग गेम खेलने के लिए अंदर गए हैं, बट कुछ
नेचुरली इंसान के वहाँ पे रिलेशन बन जाते हैं, वहाँ उनके अपने नहीं हैं, वहाँ पे सब लोग अनजान हैं। और फलक का तो एक्चुअली कोई नहीं है, फलक तो जिनसे भी मिली है अभी के इस वाले में ओटीटी में, वो सब सारे फलक के लिए अनजान है। उनके साथ फलक ने कभी पहले किसी से बात नहीं की है, पर्सनली किसी को जानती नहीं थी, तो एक वो कम्फर्ट जोन आ जाता है जहाँ दो लोगों की सोच एक जैसी होती है। तो वो सारे अच्छे हैं। पूजा मैम का जो है वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो मुझे लगता है कि फलक को उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, जहाँ पे उसको काफ़ी चीज़ें वो बोल सकती है लेकिन वो रिस्पेक्ट की वजह से वो वहाँ पे अपने आप को रोक देती है। फलक और अविनाश की मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि घर पे पूजा मैम के बाद सबसे ज़्यादा जो मैच्योर लेवल की बात होती है वो दोनों में मुझे कई हद तक नज़र आती है। जिस तरह अविनाश ने उनको कहा कि आई लाइक यू, और जिस तरह उन्होंने लिया और बहुत अच्छे से वो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक रहती कि मैच्योर जो लोग बात करते हैं उस तरह से जल्दी। आप एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा, और जब उन्होंने कहा तो आपका क्या थिंकिंग था? देखिए, इस सवाल का जवाब फलक ने खुद ही उसमें बिग बॉस के अंदर दे दिया था कि हम दोनों निब्बा निब्बी तो है नहीं, आई एम सॉरी, तो हम दोनों मैच्योर हैं। तो उन्होंने मैच्योरिटी के साथ किसी को पसंद करना, किसी को पसंद करना और अपनी पसंद का इजहार करना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन उसकी पसंद को सामने वाला कैसे लेता है, उनको टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, वो बिल्कुल सही है। मैं उस चीज़ से अग्री करती हूँ। मनीषा रानी फलक भी कहती है, बट जब भी नॉमिनेशन का टास्क होता है या फिर जब कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना रहता है वो हमेशा फलक का नाम लेती है, ऐसा क्यों आपको लगता है? और तीन बार या चार बार से भी ज्यादा उन्होंने नाम लिया था, कल भी इस चीज का जिक्र हुआ था, कल का आपने देखा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है वो रिलेशन कितना रियल है कितना फेक है? देखिए, यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ गेम खेलने आए, उनको गेम खेलने के लिए रिलेशन वहाँ पे बनाने पड़ रहे हैं, और कुछ लोग रिलेशन में हैं, उनके लिए गेम जो है वो सिर्फ एक गेम है, गेम के आगे भी उनको अपने वो रिलेशन अपनी उसी डिग्निटी के साथ अपने उसी प्योर सोल के साथ उनको आगे भी मेंटेन करने हैं। तो मनीषा का गेम अलग है, उसका उसके लिए वो सिर्फ एक गेम है, जहाँ पे उसको अभी वो कैप्टन है तो उसको दीदी दीदी बोलना है, और वो दीदी सामने से बोल रही है लेकिन पीछे से वो नो डाउट बहुत बुराइयां कर रही है, तो उसके लिए उसका गेम जीतना जो है वो उसका टारगेट है। एज अ व्यूअर पॉइंट मुझे काफ़ी फेक लगता है, आप व्यूअर पॉइंट भी है और आप फैमिली मेंबर भी हो, तो आपको कितना रियल लगता है कितना फेक लगता है? और वो जब घर के बाहर आएंगे फलक कभी भी ट्रॉफी लेके आए या फिर पहले भी आए, आप इस चीज़ पे जिक्र करने वाले हो कि जो मनीषा रानी है वो काफ़ी फेक थी? नहीं, देखिए, इस चीज़ पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक गेम है और हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, उसकी अपनी एक मंजिल होती है। फलक का जो है वो, और ये जो मैं शो देख रही हूँ ये मैं एज ए मदर नहीं देख रही हूँ, मैं भी एज ए व्यूअर ही उस शो को मैं देखती हूँ। अगर मदर देखती तो मैं उसको अंदर ही जाने नहीं देती, मैं मना ही कर देती। यस, एवरेज के आने के बाद कितना एनवायरनमेंट में बदलाव आया है आपको क्या लगता है, कितना घर पे बदलाव कितना आया है? उनका सबसे बड़ा झगड़ा अविनाश के साथ हुआ था, जहाँ उन्होंने कहा था कि आपका थुबड़ा मुझे पसंद नहीं है, उसके बाद काफी बड़ा झगड़ा हुआ था, थोड़ा मुझे एनवायरमेंट में चेंज आया आते हुए नजर आ रहा है। आप अगर कुछ बताना चाहोगे एवरेज के बाद, आशिका का तो अलग सवाल रहेगा, एवरेज के बाद कितना घर पे बदलाव आया है और अभिषेक के गेम पे कितना बदलाव आया है? देखिए, जब कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो उनके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि वो बाहर से सब कुछ देखकर जाते हैं और सबके बारे में उनको एक एक चीज़ पता होती है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी, उनका ट्रिगर करना, उनका वीक पॉइंट भी, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए भी। एल्विश से मेरी पर्सनली, मैं उनको नहीं जानती हूँ, गेम के लिए आया है तो डेफिनेटली अपने एफर्ट्स ही डालेगा और डालने भी चाहिए उसको, और उसके आने से काफ़ी एक वो कहते हैं ना कि घर के अंदर एक भूचाल आ गया है जो कि आना चाहिए था, तो वो अच्छा लग रहा है देखने में। फलक जी जब घर के गए थे तब उन्होंने काफ़ी सारी बातें की थी जिससे फलक काफ़ी इमोशनल हुई थी, आपको क्या लगता है वो जो उन्होंने बोला कि वो खुल के नहीं आ रहे थे या फिर कुछ ऐसे ही वर्ड था जो उन्होंने यूज़ किया था? सलमान सर भी थे, फिर बाद में सलमान सर उनको सीईओ करने गए थे, आप कुछ कहना चाहोगे? उसके बाद आपकी बात हुई
पलक से कि आपने ये घर पे जाके क्यों कहा है, कि उनका क्या पॉइंट था उस चीज को लेके? कौन सा वर्ड था, मुझे वो वर्ड आप बताएंगे प्लीज? ऐसा एक वर्ड था कि आप खुल के घर पे नहीं आ रहे हो, पलक को लेके था। फलक जी ने ये कहा था जब वीकेंड का वार होता है, हाँ, एज ए स्पेशल गेस्ट आई गेस, ये कहा था कि कुछ और वर्ड कहा था, आई गेस कुछ तो अलग वर्ड था कि फलक खुल के गेम नहीं खेल रही है। उसके बाद थोड़ा इमोशन भी हुए थे फलक घर पे। हाँ, वो एक्चुअली राइट राइट, वो ये था कि आप खुल के बाहर नहीं आ रहे हो, आप तो उसके ऊपर वो शपक गई थी। जब आप शपक की बात कर रहे हैं, आप एक्चुअली दोनों बहनों में कंफ्यूज हो गए और आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। तो शपक ने फलक को कहा था कि आप बहुत स्ट्रांग हो, तो वो उसको देख के वो वहाँ पे बहुत इमोशनल हो गई थी, वो रो पड़ी थी। तो उसने ये कहा था कि यहाँ पे सब लोग चिल्लाते हैं और मैं चिल्ला नहीं सकती। हाँ, तो उसको वो, मैंने अपने पहले भी इंटरव्यू में ये चीज़ बोली है कि वो चिल्लाने वाला माहौल हमारी फैमिली में नहीं है, तो वो फलक की पर्सनैलिटी है ही नहीं कि वो चिल्लाए बिला वजह, वो किसी को पोक करे। अगर कोई करता है तो वो ये कोशिश करती है कि हम इस पे रिएक्ट ना करें। हमारा मानना ये है कि किसी भी चीज़ को बहुत प्यार से हैंडल किया जा सकता है। रहे सवाल आपको अभिषेक और फलक पर, किस तरह का रिश्ता लगता है? क्योंकि काफ़ी सारी बातें हुई है, वो एज अ ब्रदर मानती है, बट बाहर से काफ़ी सारी पॉइंट्स आए हैं उनके ब्रदर के तरफ से, उनके यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी बातें हुई। आपने उनका वीडियो देखा रहेगा, मैंने पर्सनली वीडियो देखा है, ना कि पलक को लेके, शिजान को लेके काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही अपने यूट्यूब चैनल पर। वो एक हमारे इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है। आप अगर कुछ बताना चाहोगे उस वीडियो को आपने देखा रहेगा, उसके बाद अगर कुछ आप बताओगे। मैंने उस वीडियो पे ऑलरेडी बात मैं पहले भी मैं कर चुकी हूँ, तो अभी भी मेरा यही है कि आप रोस्ट कीजिए, मजाक कीजिए, एंटरटेन कीजिए लोगों को, लेकिन किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके आप ये मत कीजिए, ये बहुत बुरा लगता है। हमारे साथ तो जो हुआ है वो आपने एक रोस्टिंग के थ्रू आपने बहुत गलत तरीके से वो चीज़ बोली है, बट मैं फिर भी यही दुआ करूंगी कि किसी के ऊपर भी, किसी के भी बच्चे पे, किसी की भी फैमिली पे बुरा वक्त, ऐसा बुरा वक्त नहीं आना चाहिए कि जहाँ पे किसी का मजाक करना भी आपको हर्ट कर जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, बाकी सब समझदार है। और फलक का और अभिषेक का जो रिश्ता है वो एक्चुअली बहुत अच्छा बन रहा है, अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहा है, तो मुझे लगता है कि बाहर आने के बाद उनका रिलेशन रहने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे सब लोग भूलते हैं, ये गेम है, तो इसको गेम की तरह क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग? हम इतने पर्सनल क्यों कर रहे हैं एक दूसरे पे अटैक? ये मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अपनी ओपिनियन रखें, आप ओपिनियन रखें, लेकिन वो अंदर की सिचुएशंस हैं, अंदर के टास्क हैं। बाहर आने के बाद में भी पॉसिबल है कि एल्विश के साथ, अभिषेक के साथ और पूजा मैम के साथ और बेबिका के साथ, मनीषा के साथ सबके रिलेशन अच्छे हों। क्या लगता है आपको टॉप फोर में कौन से सदस्य होंगे? आप फलक का तो नाम लेंगे, इसके अलावा आपके तीन नाम और जानना चाहूंगा, और विनर और फलक, विनर भी आप फलक के ही नाम लोगे, उनके साथ कौन खड़ा रहेगा? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, पहले तो आप मुझे बताइए, ये बहुत बायस नहीं हो जाएगा? नहीं, नहीं, अगर नहीं, आप मुझे एक तरफ ये बोल रहे हैं कि मैं व्यूअर की नजर से देखूं, ठीक है मैम, आप व्यूअर की नजर से टॉप फोर आपके और एक विनर बताइए। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बिग बॉस का गेम है। हाँ, और गेम कभी भी पलट सकता है। राइट, तो ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ऑफकोर्स मैं, क्या बोला आपने, टॉप फोर होते हैं विनर नहीं कह सकते, टॉप फॉर फलक, जिया डेफिनेटली, एंड अभिषेक, और कौन है, पूजा जी। आपने अविनाश का नाम नहीं लिया, ये एक सबसे बड़ा, अविनाश आपको नहीं लगते टॉप फोर में आने चाहिए या फिर पोजीशन पे आ सकते? नहीं, मैंने आपको यही चीज़ बोली है ना कि बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उसको डिजर्व करता है वो, लेकिन ये बिग बॉस का गेम है, ये कभी भी पलट सकता है। मैंने जिनके नाम लिए हैं, हो सकता है वो भी ना आए, हो सकता है कोई और ही निकल कर आ जाए, तो ये उनका गेम है। अभी तक को देखते हुए जो मुझे आज तक भी नहीं, मैंने सिर्फ कल तक का मैंने देखा है। हाँ, तो उसको देखते हुए मैंने अपनी ये एक ओपिनियन दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।